आज बात करते हैं दो साउथ की टीम के, एक हैदराबाद और दो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। हैदराबाद का कैप्टन डेविड वार्नर और बैंगलोर के कैप्टन विराट कोहली, जबकि दोनों टीम के ग्राउंड में ज़्यादा दूर की अंतर भी नहीं है। दोनों टीम का अगर मैच के बात करें तो सनराइजर हैदराबाद ने 125 मैच खेला है और बैंगलोर ने 198 मैच खेला है। 53% विनिंग के साथ 66 मैच उसमें से हैदराबाद ने जीता है और 92 मैच बैंगलोर ने जीता है। हाईएस्ट रन का अगर बात करें तो हैदराबाद ने 231 पर 2019 में आरसीबी के खिलाफ ही बनाया था और बैंगलोर ने 213 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। हाईएस्ट इंडिविजुअल में 126 रन केकेआर के खिलाफ डेविड वार्नर ने मारा और 175 क्रिस गेल ने मारा है। हाईएस्ट एवरेज की अगर बात करें तो हैदराबाद के लिए डेविड वार्नर का 51.64 है, जबकि बैंगलोर के लिए मार्कस स्टोइनिस का 52.75 है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो आशीष रेड्डी का 149.39 हैदराबाद के लिए और 159.65 एबीडी प्लेयर्स का बैंगलोर के लिए। सबसे ज़्यादा 538 लगाया है डेविड वार्नर ने हैदराबाद के लिए और विराट कोहली ने 39 लगाया है बैंगलोर के लिए। सबसे ज़्यादा 100 का बात करें तो 2 डेविड वार्नर ने लगाया और 5 क्रिस गेल और विराट कोहली दोनों ही लगाए। सबसे ज़्यादा 0 पे आउट हो गया हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 6 बार और बेंगलोर के लिए 7 बार एबी डी विलियर्स ने 0 पे आउट हो गया है। मोस्ट छक्का की अगर बात करें तो सनराइजर के लिए 137 डेविड वार्नर मारा है और क्रिस गेल मारा है 239 छक्के बैंगलोर के लिए। सबसे ज़्यादा चौका का बात करें तो भी 364 डेविड वार्नर ने मारा और 507 चौके विराट को लगाया है अभी तक। सबसे ज़्यादा छक्का एक इनिंग्स में 8 मारा है डेविड वार्नर और मनीष पांडे केकेआर और आरआर के अगेंस्ट और 17 मारा है क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ। सबसे ज़्यादा चौका एक इनिंग्स में बात करें तो 13 चौका शिखर धवन ने लगाया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और 19 चौके मुंबई के खिलाफ एबी डी विलियर्स ने लगाया है। हैट्रिक अगर देखा जाए तो सनराइजर हैदराबाद के लिए अमित मिश्रा ने एक बार लिया है और बैंगलोर के लिए प्रवीण कुमार और शामुएल बद्री ने भी एक एक बार लिया है। बेस्ट बॉलिंग फिगर का अगर देखें तो 5 विकेट 19 रन पे किंग्स के खिलाफ ने भुवनेश्वर कुमार लिया है और अनिल कुंबले ने 5 रन दे के 5 विकेट राजस्थान के खिलाफ लिया है। बेस्ट इकोनॉमी राशिद खान का है हैदराबाद के लिए और दानियल वितोरी है बेंगलोर के लिए। सबसे ज़्यादा 4 बार विकेट भुवनेश्वर कुमार ने 3 बार ले चुका है और अनिल कुंबले ने भी 3 बार लिया है। मोस्ट रन अगर कंसीडर की बात करें तो 70 रन दिया है वासिल थम्पी ने। सेन वाटसन ने हैदराबाद के खिलाफ और टीम सऊदी ने केकेआर के खिलाफ 61 रन दिया है। एक मैच में सबसे ज़्यादा कैच की अगर बात करें तो 3 कैचेस आरसीबी और पंजाब के खिलाफ दीपक हुड्डा ने लिया और 3 कैचेस किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ एबी डी विलियर्स ने लिया था। मोस्ट विकेट अगर एक सीरीज में बात करें तो 26 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने 2017 में लिया था और 23 विकेट 2013 में बिनोय कुमार और 23 विकेट 2015 में चहल भी लिया है। मोस्ट मैच का अगर बात करें तो 91 मैच भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक खेला है सनराइजर हैदराबाद के लिए 2014 से अभी भी खेल रहे हैं और विराट कोहली 193 मैच खेला है 2008 से अभी भी खेल रहा है। बेस्ट पार्टनरशिप की अगर बात करें 185 रन के पार्टनरशिप जॉनी बेस्टो वार्नर का है आरसीबी के खिलाफ और विराट कोहली और एबी डी विलियर्स ने 229 रन गुजरात लायंस के खिलाफ बनाया है। दोनों टीम में अब अगर ऑरेंज कैप का देखा जाए तो 4 बार ऑरेंज कैप अभी तक जीता है सनराइजर के लिए 2015 17 18 और 19 में, जिसमें डेविड वार्नर 3 बार और केक विलियर्स ने 1 बार मिला है और 3 बार 11 12 और 16 बैंगलोर के लिए क्रिस गेल ने 2 बार और कोहली ने 1 बार जीता है। पर्पल कप सनराइजर के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार जीता है 2016 और 17 में, जबकि बैंगलोर का कोई भी बॉलर आज तक पर्पल कप नहीं जीता है। रनर शाप 1 बार हुआ है हैदराबाद ने 2018 में और 3 बार बैंगलोर ने हुआ है 9 11 और 16 में। और आईपीएल चैंपियन 2016 में हैदराबाद ने बना था और बैंगलोर अभी तक चैंपियन ही नहीं हुआ।